ओ ब्रॉडी खड़ा वेलकम पेज दोबारा। तो 1 करोड़ सब्सक्राइबर जो कि बहुत ही बड़ा मुश्किल माइलस्टोन, उसकी भी अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं करके। देख बुली खजाना आ गया डायमंड वाला, टायर घूम रहे हैं गाड़ी के, देखो 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 ट्रिप मार रहा है, वो आया वो आया वो आया, डंडी 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 देखो तुमने सही सुना है। सामने निकला बोली और वो सामने से वो आ गया चैलेंजर। चलो देखते हैं जरा चल के। और ये तो यहाँ का रेजिडेंट डॉग लग रहा है मेरे को। सुन इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। नो 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 बॉय नो नो। पर यहाँ पे तो इनको आदत होगी क्योंकि ये आते रहते हैं ना डॉग, मतलब बच बच नो 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 नो। चलो 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 चलो। अरे अरे इसने झाड़ दिया। जैसे स्ट्रीट डॉग होता है ना वो भाई स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं साथ साथ, तो उनको पता होता है कहाँ खतरा है कहाँ खतरा नहीं है। बट जहाँ पे ये पैक में रहते हैं ना, जहाँ गैंग में रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा पंगा होता ही है। भाई बिल्ली मस्त मौज कर रहा है। बिल्ली ऊपर चला जा, कर ले शुरू कर ले, आ ऊपर आ जा बिल्ली। इधर भी और डॉग्स बैठे हुए ही आ गए छोटे छोटे, पपी भी हैं यहाँ। वो तो कैसे खेल रहा है मस्त तरीके से देखो। अब ओ भाई बिल्ली नो तो कैसे देख रहे हैं भाई? अभी YouTube चैनल हाँ देखा, कौन सी वीडियो देखी है? सारी। अच्छा मस्त तरीके से खेल रहे हैं वहाँ पे सारे। आप ये पता क्या कर रहे हैं, गाली पक रहे हैं यहाँ पे। आओ जरा इन्हीं की रिकॉर्डिंग कर। हाँ भाई कौन सा मिलना चाहता था? अरे भाई कोई नहीं, हमने भाई चलो ठीक है, हम फेमस हो जाएंगे ना। अब हो जाओगे, हो गए हो गए, फेमस हो गए, फेमस हो गए भाई। तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। तो हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, पर किसी की अकड़ के सामने नहीं। तो ऐसा कभी भी आपके साथ हो तो उसके सामने जाइए, उससे पूछिए उसके करने की ये वजह क्या है, भाई तेरे को परेशानी क्या है, अपने आप चुप हो जाएंगे। सही मैं पास में गया और एकदम से वो हो गया चेंज। अमन को डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल यार, और पुली मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये हो सकता है वो कभी भी अटैक कर दे, और एक बार अटैक कर दिया फिर बॉडी भी हो जाएगा थोड़ा सा। एक्चुअल में है क्या कि हाँ डर का ये रीजन है कि ये अपनी जगह पे नहीं है, ये दूसरी जगह पे है। तो अपने घर पे होता तो ये भी चल बिल्कुल कूल, इसको पता रहता। अब इसको लग रहा है कि हर तरफ से कहाँ से पता नहीं क्या खतरा आ जाए, क्या हो जाए, कौन सा डॉग कैसे क्या बिहेव करे, इसको आइडिया नहीं ज्यादा। अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ह्यूमन से बिल्कुल फ्रेंडली है, लेकिन बस ये कटल भी नहीं है कि लेटे हुए आप ऐसे करते ना वो इसका। हाँ वो उसका नेचर है, वो पूरा ही हाँ वो होते हैं। ये मतलब तो ब्रीड ब्रीड स्पेसिफिक है ये चीज, इसको भी लगाओ उठ के चला जाता है। हाँ इसको बस भगा लो रन करवा लो पूरे दिन, इसको कहीं भी घुमा लो कोई दिक्कत नहीं आनी है इसको। तो पर्पस है इनके अलग अलग अपने। अभी वो पीछे से आ गए थे वो कैसे, पर इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको अनसिक्योर फील नहीं हुआ ज्यादा बुल्ली को। हाँ मैं कह रहा हूँ वो मेरे को लग रहा है वो। अब धीरे धीरे टच इसका जैसे नोज इसकी अनलॉक हो गई है अब, तो ऐसे ऐसे इसको हल्का हल्का चलने दो कोई नहीं, पर फेस ऑफ नहीं कराऊंगा अभी भी मैं। लेकिन अब ये देखो एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये अलग डायरेक्शन में देख रहा है, वो अलग डायरेक्शन में देख रहा है, अब ये पीछे मुड़ के देख रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन दोनों को आपस में। ये ऐसे ही सोशलाइज कराया जाएगा इनको, झटके से ही नहीं कभी भी मिलाना आपको कोई भी डॉग हो, आपको पता नहीं है दूसरे वाले डॉग का बिहेवियर, और आपको कई बार अपने डॉग का भी बिहेवियर नहीं पता होता कि नई एनवायरनमेंट में नई सिचुएशन में वो क्या कर दे। तो इससे अच्छा यही है ना कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बढ़िया है कि सेफ्टी से हम चलें, तो दोनों ही बच्चे खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे।
और वीडियो बदनाम नहीं होगी, रिस्पांसिबिलिटी तो हमारी है ना। चलो फिर और थोड़ी सी और वर्क करते हैं। और ये थोड़ा सा है कि दोनों की एनर्जी अब ना बिल्कुल मैच हो रही है। पहले वो थोड़ा एक्साइटेड था, इसको मैं रन करा के लाया था, लेकिन ये ईगर बहुत ज्यादा था एक दूसरे को स्मेल करने के लिए। ये डंडी देख रहा है क्या, डंडी डर लग गया भाई। भाई अभी दोबारा लेकिन हमें ना एडवेंचर से जाना पड़ेगा, और एडवेंचर आप पता ही है जो रोड पे बहुत सारे भी डॉग्स मिलेंगे, बट इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाइट छोटी है ना डॉग की सामने वाले की, तो इसको ज्यादा इशू नहीं है। इसकी जो आई साइड से ऊपर डॉग आ गया वहाँ इसको थोड़ा लगता है। बच्चा सामने आ गया, आ जाओ कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ चलो आ जाओ। भाई बिल्ली को और उसको ब्रॉडी को देखने के लिए बिल्ली जा रहा है, और ये देखो कैसे शांति की नींद सो रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे मस्त। और ये देखो यहाँ पे भी पड़े हुए बोलू बोलू होके स्नेल, हाँ स्नेल बने हुए अभी तो सारे। देखो कितने मस्त तरीके से जा रहा है कबूतरों के आस पास। दोबारा जोन में आ गया जितना हो सके। मैं तो सोच रहा हूँ कि सांस रोक के निकल लो जो चुपचाप बस यहाँ से पर उनको पता चल ही जाएगा, एक तो जगी रहा होगा शाम का टाइम, क्योंकि वैसे भी चाय का टाइम हो गया ना। अब चाय का टाइम हो गया, आप उठ गए होंगे ये वो देखो मेरे हाँ ऊपर से हाँ। अब वो देखो उसने हल्का सा उठा वो जगह, बस हो गया काम, हो गया भाई हो गया हो गया। कहा है हमारा हमारे सिक्योरिटी की जरा। चलो 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 इजी चलेंगे, इजी इजी। देखो बैठे बैठे भोगे जा रहे हैं अभी, बस अब आगे से वो ना आ जाए। हम दोनों साथ हो गए, हम पैक बना के चलेंगे, बुल्ली और ब्रॉडी का पैक बन गया है यहाँ पे आराम से। दिक्कत पर ये वाले की थी, ये थोड़ा ज्यादा वो था कॉन्फिडेंट। हाँ अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला नहीं दूसरा अभी आएगा अंदर से वो, हाँ मोटा वाला। ये तो फिर भी बीटा है थोड़ा सा, उसने दे दी वार्निंग एक और। ओ भाई ओ नो 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 नो। अब बुल्ली ने देख लिया मेरा पैर का, वो आया वो आया वो आया, डंडी 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 डंडी। ओए चलो आजा चलो। ओ भाई आजा, निकलो 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 फटाफट। ओए 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 लड़ाई हुई। ओ भाई पीछे से आ रहा है ये, आ रहा पीछे से, बुल्ली देख पीछे से आ रहा है। ओ उसकी उसकी बाउंड्री भी यहीं तक थी वैसे। ओ भाई चले गए चले गए, इसलिए ना ये भाई ऐसी। ओ भाई ये तो बड़ा एडवेंचरस सा था ये वाला पैच। हाँ हाँ वही वो आया फिर से आ गया पीछे से, फिर से आ गया। देख रहे हो अब ये यहाँ पे थोड़ी देर हम ऐसे खड़े होंगे और अल्फा स्टैंस दिखाएंगे। हाँ भाई क्या दिक्कत है, इधर आ जा बुल्ली। अब धीरे धीरे अपने आप गायब होंगे। बुल्ली चुप है, बुल्ली ने एक बार भी नहीं भोगा अभी तक, आराम से खड़ा हुआ ये। अब ले चलेंगे, चलो आओ कम ऑन चलते हैं, चलेगा ना वापस। ये तरीका है, खड़े हो जाओ स्टैंड, अपना स्टैंड ले लो। और ये सिर्फ डॉग्स में नहीं जाता, ये हर चीज में जाता है। अपना स्टैंड ले लो, दुनिया अपने आप समझ जाएगी। ये देखो भाई इन दोनों का पैक बन चुका है, और ओ ये तो फर्स्ट फ्लोर से भोग रहे हैं कुछ नहीं कह रहे बेटा, कुछ नहीं कह रहे तेरे को, आराम से आ रहे हैं। वो आया सामने से ब्लैक वाला, और ओए होए ओए डंडा 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 कॉलिंग, डंडा कॉलिंग। ओ भाई ये लो ये, ओ भाई कितने सारे, ये वाला, ये तो बाइट वाला लग रहा है ना, ये लग रहा है अभी। ओ भाई यार अर्पित भाई की चाल का कमाल हो गया भाई यहाँ पे तो जनी पूरा ही पूरा मोहल्ला उठ गया होगा भाई। हम तो इस टाइम पे इतने सारे डॉग्स भोंग रहे हैं ना यार पीछे भी। नो नो बस चलते रहो चलते रहो, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे में सिर्फ चलते रहो। चलो टेरिटरी खत्म हो गई उनके, तो वहां पे देखो बुल्ली ने ले ली एंट्री। ओ ब्रॉडी खड़ा है वेलकम पे दोबारा। अब ब्रॉडी
देखो कैसे जा ओ भाई क्या हो रहा है ओ बोली हाँ अभी देखो साथ में घूम के भी आए हैं, साथ में वॉक करके आए हैं। ओए ओए देख के बहुत पास आ गया क्योंकि अभी इसको लग रहा है ना मेरे घर में आ गया आपको ये, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई अरे बोली इधर आ, बोली इधर आ, चलो इधर इधर आ, इजी इजी चलो। ओ भाई ऊपर चढ़ गया जो उसकी सिग्नेचर पोजीशन, बोली नो इधर इसको ना स्किनिस कराता हूँ यहाँ पे को। नो बस अब थोड़ा कम डाउन दे रहे पानी दे रहे थोड़ी देर से रह जाएगा, बट इसको पहले एक बार पानी पिलाता हूँ आराम से। ब्रॉडी को बंद कर दो उधर और दूली इधर घूम लेगा। दोनों हाँ उसको बहुत तेज ए गद 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 वो भी वही वही आराम से भाई अंदर से वो चलाया जा रहा है। बस 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 चेक करेगा बोली कहाँ से आवाज आ रही है, ये वाले इस वाले में ना। हाँ, तेरे बॉल में पानी पी गया। अबे क्या हो गया ये रोडी, तेरे बॉल में पानी पी गया। ऊपर नीचे उतरने की कोशिश कर, पानी पीना है पानी। हाँ पूरा गंदा आगे बिता है ये चेक करेगा पहले अब क्या हो रहा है। आज बोली इधर आजा, बोली आजा भाई, नहीं नहीं ठीक है। लो जी अब आने वाला है दूसरा चैंपियन, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और बोली देखो कैसे देख रहा है, सुन रहा है एक एक हरकत कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बोली, क्या होने वाला है। बहुत ध्यान लगा के वैसे कैमरे में, एक तो इसको भाई कैमरा कॉन्शियस है। ओए आ गया आ गया आ गया आ गया, ओयो अभी तो वो देखेगा पहले हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। ओ भाई एक तो ये ऊपर है ना तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा बोली, अब जंप करके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बोली, नो इजी आराम से बैठ के। हाँ बस धीरे धीरे बोलेंगे हाँ कोई नहीं, आप उसको ना गोद में लेके बैठो, वो भी बैठ गया उसकी सिग्नेचर जगह पे। ओ भाई वाह क्यों थी पाए मिलवाएंगे ये खींच रहा है ना सांस, उसको रुक रहा है नीचे बैठ आराम से बैठ। हाँ बस अब इसके कान से देखो, कान नोज से नोज मिलाते ना एकदम से पकड़ा वो चीज बस इसने इसने इससे तगड़ा बोले किलर नाम है उसका, मुंह पकड़ लिया था इसने। अच्छा ये बड़ा ये बड़ा ये पता नहीं क्या हुआ इसको समझ नहीं आई। अच्छा क्योंकि ये एक दो ही रिस्पांस होते हैं, फ्लाइट और फ्लाइट, तो अब डर के चाहे काट लेगा या भाग जाएगा ये होता है, काट लेता है। हाँ बोली अब बोली ऊपर हम थोड़ा सा रिलैक्स करवाते हैं बोली को, चलो अब रिलैक्स करेंगे आराम से। ब्रॉडी कितना चिल डॉग है, मतलब उसके घर में हम आके बैठ गए हैं आराम से भाई, रिलैक्स कर रहा है वहाँ पे ब्रॉडी, वो ना भौंक रहा है ना कुछ कर रहा है, बहुत चिल और रिलैक्स है। हाँ, हाँ। और बस मिलने के लिए कर रहा है वो, एक्टिंग कर रहा है मिलने के लिए, लेकिन भौंक नहीं रहा, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। और बुल्ली तो यार थोड़ा सा भी स्ट्रेस में इसलिए क्योंकि दूसरी जगह पे आ गया है, तो मेन तो वही बात है, बट ब्रॉडी चिल बिल्कुल। यहाँ पे भाई दो है आराम से चल रही है, वो डर गया वो पीछे पीछे से पिकअप बना के आ रहा है। हाँ इसका टायर घूम रहे हैं गाड़ी के, देखो 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 ट्रिप मार रहा है। ओए 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 दोनों भाई नो बोली
बस आ जा बोलिए आ जा चलो आ जा इधर चलो बनी ने पूरा टेबल लगा के ला दिया ये आराम से बैठा बल्कि और ये देखो फ्रेंड्स ये ओए ले आपको उसकी टेबल की लात लगेगी ये टेबल क्यों पका रहा चूहे बस अब ले आओ इधर बैठो आयो इतना टाइम हो गया अब जाके मौका मिल रहा है अब मैंने गिलास रखा है अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है अब मैं मिलूंगा अरबीत भाई से अगली ले डाउन भी करानी है आपको अच्छा ठीक है अब क्रॉल कराना है आपको और क्रॉल बोली क्रॉल मेरे से नहीं करेगा आप पता इतने पास आ गया था और इससे अभी वो भूल गया उसको वो भी ट्रीट को देख रहा है दोनों ट्रीट को देख रहे हैं भाई ओए नहीं बाग नहीं करता ये अभी यही करेगा अब कर दिया ट्रीट के लिए सब सीख जाता है भाई ये ओ यार बोली खा गया लगता बड़ा क्यूट है यार ये अब भाई बुल्ली को थोड़े टाइम के लिए अभी अनलीश कर दिया है और अभी बुल्ली देखो डॉग के अंदर ना ये देखा है क्योंकि मैंने ना बहुत फर्क होता है लीस्ट बिहेवियर में और अनलीस्ट बिहेवियर में बुल्ली जा रहा हूँ भाई बुल्ली आजा जल्दी गुड बॉय गुड बॉय देखो मस्ती देख रहे हो कितनी मस्ती है पूरा चेंज हो गया देखो कैसे मिल गई उसको देखो कितनी मस्ती में घूम रहा है अभी बस ये भी कैमरे पे भोगेगा क्योंकि कैमरे माइक का वो है ना उस पे वो करता है ये ले इधर आ इधर आ देखो मस्ती देखो एकदम बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई है हां इसके बाद तो चले चेट डाउन क्रॉल रे हवा थी हवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब तो जिंदा है हम खाने से ज्यादा देखो भाई हरप्रीत मैंने कितने ही क्लासिक ऑयल पेंटिंग है हां ये मैंने Instagram पे देखी थी अच्छा देखो कितना क्लासिक लग रहा है यार मैं भी सोच रहा हूँ बनवाऊंगा हाँ बिल्कुल फिश दिखी है भाई फिश दिखाते हैं देखो ओए होए देखो कैसी फिश है टूट जाएगा आराम से बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए बोली पुराना है ना वो फाइंडिंग नीमो नीमो किधर है और नहीं गाइस ये देखो बुल्ली आया है घर पे बुल्ली भाई ग्लोब देख रहा है क्योंकि ना इसके दादाजी आए थे यूएस से तो वो नक्शा ढूंढ रहा है उधर जाके कि यहाँ से ये मेरा पिंड है अच्छा जी तो अरविंद भाई अब हमारा बैठना हुआ है अब हमारा मिलना हुआ है ढंग से क्योंकि अभी तक तो आपने देखा ही वीडियो के अंदर भाई क्या ही एडवेंचर करके आए अभी ब्रॉडी बनी दोनों अंदर चले गए बुल्ली घूम रहा है तब हम बैठ पाए आराम से बस अब बैठ पाए अब जरा बात कर लेते हैं छोड़ी डॉग्स के एक्सपीरियंस वाली कि दो चार क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं काफी ज्यादा कि क्या मैं फर्स्ट टाइम ओनर हूँ क्या मेरे को ऐसी ब्रीड ले लेनी चाहिए क्या करना चाहिए आप बताओ जी आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि मेरा तो अभी ये बुली है 4.5 साल का अब 5 का हो जाएगा ये ब्रॉडी है 7 साल का और आपके पास 2 डॉग्स हैं और दोनों अलग अलग ब्रीड के हैं राइट तो आपका बताओ कि क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों के साथ साथ और पहले ब्रॉडी से स्टार्ट करते हैं कि जब पहला डॉग आपके पास ब्रॉडी आया और आपके बच्चे के साथ गुनीत के साथ उसने बड़ा हुआ है राइट बिल्कुल तो कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आपको होने को मतलब मिले हैं क्या क्या अलग था क्या आपके लिए नया था और डॉग से ये कैसे अलग था मैं काफी टाइम सोच रहा था कोई डॉग लेना है ठीक है तो समझ नहीं आ रही थी कौन सी ब्रीड फिर यूट्यूब वीडियोस देख देख के मैंने देखा अमेरिकन बुली और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं काफी लोगों को इनको देख के लगता है पिटबुल हो अमेरिकन बुली हो कोई भी हो डिपेंड करता है आप उसको कैसे रेज कर रहे हो आपको डॉग लेके कोई भी आप बाहर घुमाने लेके जा रहे हो सामने आपको कोई पेट डॉग दिख रहा है तो पेट पेरेंट्स से पहले पूछ लो वो फ्रेंडली है उससे मिलवाओ खिलवाओ आपके घर में भी कोई आ रहा है उससे भी डॉग को ऐसा नहीं है कई लोग सोचते हैं कि डॉग है बांध दो बस बाहर वो नहीं करना वो करोगे तो डॉग अग्रेसिव होगा ही होगा आपने देखा होगा भाई अंदर से ना क्योंकि बुली बाहर घूम रहा है और बुली स्निफ करता हुआ घूम रहा है बुली और ये ऑफ लीश बिहेवियर है अभी तो ये क्यूरियस वाले उसमें क्योंकि अब ये हम इनसे मिलने आए हैं इनका घर है तो जहाँ जहाँ स्मेल मिल रही है उसको वहाँ बुली ने शोर मचाया एनीवेज कंटिन्यू करते हैं हम तो ये तो कैसा होगा अंदर क्या वो गेट तो गेट खुल रहा है नहीं वो ऐसे ऐसे बनी कर रहा है
अच्छा वो ऐसे दर 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 आवाज आ रही है ना। हाँ वो बनी कर रहा होगा ना। तो जैसे हम रेज करते हैं सेम गोज टू अवर बच्चा कि जैसे हम रेज करेंगे वैसा ही उसका करेक्टर बनेगा, वैसा ही चीज। आप अपने बच्चे को एक कमरे में बंद करो पूरी जिंदगी जी, बड़ा हो गया वो खून ही करेगा। एग्जैक्टली, गाली देना सिखाओगे आपको गाली देकर बढ़ाओगे। तो ये तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वाइट है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर। और अभी क्या है कि इस ब्रीड को थोड़ा सा ज्यादा बदनाम कह लो या फिर ये लैमलेट में, क्योंकि इसके ऊपर मीडिया में जब दिखाते थे तो उनको मिल जाती है काफी सारी टीआरपी है, ठीक है, इन नो बैड सेंस, ये रियलिटी है। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे तो 3000 डॉग्स काटते हैं, अभी इंदौर का आज ही मैं पढ़ रहा था, 3000 स्ट्रे डॉग्स काटते हैं हर महीने। बिल्कुल, हर महीने 3000 स्ट्रे डॉग्स काट रहे हैं, और जो बहुत ही ट्रेमेंडसली 10-20% की ग्रोथ से बढ़ रहा है ये वाला जो केस है। और यही केस चंडीगढ़ में भी और हर जगह हुआ है, जिन्होंने नए रूल्स भी लगा दिए, 10000 रुपए आपको मिलेगा डॉग काटेगा ऐसा होगा। लेकिन एक अगर ऐसा ब्रीड वाला डॉग काट लेगा तो उसको भाई ऐसा बन जाएगा कि सारे ही डॉग ऐसे होते हैं। नो डाउट इनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये हमें समझना है कि एनर्जी इनकी कैसे एग्जॉस्ट करानी है, कैसे इनको निकालना है, हम रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। ट्रेनिंग एक्चुअली इनको नहीं हमें चाहिए होती है, असली रियलिटी ये है। सही बात है। अब दुबई में देख लो शेर लेके घूम रहे हैं, शेर लेके घूम रहे हैं यार, बिल्कुल पाकिस्तान दुबई में क्या क्या चीजें हो रही है, शेर लेके घूम रहे हैं। डिपेंड करता है उन्होंने शेर को ऐसे रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है, एनवायरमेंट अच्छा दो और कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। और रही बात ब्रीड, ब्रॉडी जैसी ब्रीड अगर आप ले रहे हो तो आपको उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं निकालनी पड़ेगी। आप अगर सोचोगे घर पे घूमता रहे, बनी छोटी ब्रीड फिर भी चल जाती है, आप एक आधी बार वॉक पे ले जाओ ठीक है जी। लेकिन ब्रॉडी जैसी ब्रीड, बड़ी ब्रीड आप लोगे, हस्की हो गया, ये हो गया, तो ये घर के सोफे वोफे फाड़ देंगे अगर आप उनको घुमाओगे नहीं तो। और जस्टिस भी नहीं है यार, मुझे लगता है फिर ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर सिर्फ लाके ही रखना है और ऐसा पावरफुल वो रखोगे जिसमें मस्कुलर ब्रीड है। अब मेरे को देखो, जब मुझे समझ में आने लगा कि यार इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, रनिंग मुझे कर रहा हूँ, मैं जबरदस्त रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी और ज्यादा चाहिए इसको, मैंने स्केटिंग सीख ली। और स्केटिंग आपने देखी है वो सारी जो शॉर्ट वीडियोस वगैरह जो स्टार्टिंग में हमारी सबसे ज्यादा गई थी, तो उसमें मैं यही था कि स्केटिंग मैंने इसीलिए सीखी थी, मेरे को आती नहीं थी बिल्कुल भी, खूब मैंने घुटने अपने तोड़वाए फटवाए हैं उसके चक्कर में, बट ठीक है ना, उसका जो रिजल्ट है बहुत ही अलग है, बहुत ही ये इतना खुश रहता है, एनर्जी जब इसकी एग्जॉस्ट होती है बिल्कुल चिल हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल है ना जी। अभी अभी अरविंद भाई बता रहे थे कि ब्रॉडी की जो गर्लफ्रेंड है ना वो सेम बुल्ली की जैसे कलर की है। बिल्कुल डिट्टो है। तो हाँ, तो जब ब्रॉडी मिला था ना शुरू में अभी इससे सुबह, तो देखो तभी इतना एक्साइटेड हो रहा था, बाद में उसको पता चला कि भाई ये मैसिव नहीं है। हाँ, कि जब परफ्यूम सूंघा ना उसका कि हाँ ये तो वो लगाती नहीं है, ये तो कोई और है, ये तो कुछ माचो मैन घूम रहा है आसपास। आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर जो कि बहुत ही बड़ा और मुश्किल माइलस्टोन, उसकी भी अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं करके। देख बुली, खजाना आ गया डायमंड वाला, की मेहनत। हाँ, और अरविंद ये एक बात पहले बता दो खोलने से पहले कि क्या ये रियल डायमंड होता है क्या? ये रियल नहीं रियल होता तो मैं यहाँ नहीं होता। ऑफ कोर्स यार, असली डायमंड तो पहली बार इतनी बड़ा, पहले तो मैंने नहीं देखा आज तक, मेरे सामने पहली बार। ओ हो। अच्छा, इसकी पैकेजिंग ही बढ़िया अलग है, मतलब गोल्ड तक तो हमारे पास भी जैसे आया है। अच्छा, बहुत पीछे लिखा हुआ है, उठाना पड़ेगा, भारी है ये, इसके पीछे प्रिंट होता है। रियलिटी में भाई लग रहा है कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाला जो ऐसे सिल्वर बहुत लाइट होता है, गोल्ड से हैवी आता है, और ये तो भाई इसके बाद क्या आता है? इसके बाद पंच आता है, पंच पंच वाला कस्टम होता है, 50 मिलियन बहुत बड़ा बेंचमार्क है। 50 मिलियन पे आता है, 50 लाख पे आता है। 50 मिलियन 50 लाख कहां से? 50 मिलियन हो गया, 5 करोड़ पे हो गया ना। हां, 5 करोड़ पे हो गया ना। तो दोस्तों 1 लाख पे आता है, फिर 10 लाख पे आता है, फिर 1 करोड़ पे आता है, फिर 5 करोड़ पे आता है, और उसके बाद भी आता है, वो कस्टम होता है, वो जो टी सीरीज के पास है, और आई थिंक पीडीपी मिस्टर बीस्ट के पास है। चलो, लेकिन दिमाग में हमें ये नहीं रखना, पहुंचने में भी टाइम है, लेकिन पहुंच सकते हैं। हाँ, बट मेरे हिसाब से दिमाग में ये नहीं रखना, 1 सब्सक्राइबर भी उतनी वैल्यू रखता है, और करोड़ तो ऑफ कोर्स एक जैसे बहुत सारे हो गए तो उतनी वैल्यू रखता है, तो ये एक अच्छी बात है, आप लोगों की वजह से हमारे पास ये चीजें आती हैं। बट आप एक एक जो व्यू है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वही मोटिवेशन हमें देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।
तो मेरे चैनल पे तो आप ये देख ही रहे हो और अर्पित भाई के चैनल पे भी जाके चेकआउट करना, ये वीडियो उनके पर्सपेक्टिव से भी आएगी, मेरे वाले पे तो आप देख ही चुके ऑलरेडी। ओए प्लीज रुक जा भाई, अब हो गया काफी टाइम और थैंक यू अर्पित भाई, आपने इतना टाइम दिया, बहुत मजा आया मेरे को भी, और थैंक यू आपका भी, जो पूरी फैमिली का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने पूरा इतना टाइम दिया मिले हमसे और बुली से, बुली को भी काफी मजा आया, एडवेंचरस रही वैसे आज बुली और ब्रॉडी को नेक्स्ट टाइम पूरा मिलाएंगे। हाँ जी जी, तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अमन और बुली ऐसे ही प्यार बांटते रहेंगे इस दुनिया में, कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि अगला वीडियो आप किसके साथ मेरा देखना चाहोगे, ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उनसे रीच आउट करें और हम अगले वीडियो आपके सामने पेश कर दें, तो तब तक के लिए बाय बाय, अमन एंड बुली की तरफ से हैव अ गुड लाइफ, बाय एंड एंजॉय।